संसद में एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड, सुरक्षा में सेंध को लेकर कर रहे थे हंगामा। विंटर सेशन में लोकसभा राज्यसभा के कुल 92 सांसद निलंबित। पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। तानाशाही के चरम शिखर पर पहुंची सरकार, लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद बोले अधीर रंजन। सस्पेंशन से नाराज कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, संसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को सस्पेंड करने के लिए चलाया जा रहा। गौरव गोगोई बोले, विरोधियों को कुचला जा रहा, संसद के अंदर चलाया जा रहा है बुलडोजर। निलंबित होने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, काले दौर में तानाशाहों को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए होता है। संसद में जनता की आवाज को बंद किया जा रहा, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने स्पीकर का अपमान किया, उनका व्यवहार शर्मिंदा करने वाला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो असुरक्षित महसूस कर रहे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले सीएम ममता से मिले अरविंद केजरीवाल, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर जाकर की बातचीत। कल होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक से पहले लालू यादव का निशाना, एकजुटता के साथ मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की बैठक से पहले बोले तेजस्वी। हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं, ना होना चाहते, अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कल आएंगे दिल्ली, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। मध्य प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन, बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल का बयान। एमपी से बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जरूरत पड़ी तो कर्ज लेकर वादे पूरे करेंगे, कर्ज लेना पाप नहीं है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश, मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का विरोध किया। बेईमान तरीके से ज्ञानवापी और मथुरा को छीन रहे एएसआई रिपोर्ट पेश होने के बाद बोले मौलाना तौकीर रजा। शाहिद गांव मस्जिद सर्वे पर अब 11 जनवरी को सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा सर्वे की टीम कौन कौन है। दिल्ली दौरे पर सीएम ममता बनर्जी, 20 दिसंबर को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। बनारस में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा मुझे मिला काशी की सेवा का सौभाग्य। पीएम ने कहा विकसित भारत का संकल्प और सशक्त हुआ, काशी के विकास के लिए कर रहे हैं काम। भारत का पहला विंटर आर्कटिक अभियान शुरू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिशन को बताया ऐतिहासिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस, आबकारी मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ठाणे कोर्ट में अश्वजीत गायकवाड़ समेत तीनों आरोपियों की पेशी, सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गुवाहाटी पहुंचे सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद, मणिपुर हिंसा से जुड़े केसों की करेंगे समीक्षा। जिहादी आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ एक्शन में सरकार, एनआईए ने दक्षिण भारत में 19 जगहों पर मारा छापा। कर्नाटक के बेलगावी में न्यूड परेड का मामला, बीजेपी की जांच कमेटी ने पार्टी चीफ जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस ने शुरू किया डोनेशन फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया लॉन्च। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहली बार कांग्रेस देश के लिए मांग रही है चंदा। चंडीगढ़ में हरियाणा युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला की मौत का मामला, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीएमआरसी से मांगी रिपोर्ट। केरल के कालीकट यूनिवर्सिटी में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ नारेबाजी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की एसएफआई को चुनौती, बिना सुरक्षा के कोझिकोड की सड़कों पर निकले। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा यूनिवर्सिटी पर एफएसआई के कब्जे को हटा रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे। सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी हत्याकांड में 7 आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश, सभी को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर पर शख्स को मिनी बस के बोनट पर घसीटा, पुलिस मामले की जांच में लगी। गाजियाबाद में हॉरर किलिंग का मामला, हिंदू लड़के से प्रेम करने पर भाइयों ने की लड़की की हत्या। कर्नाटक के कोलार में स्कूल की करतूत, बच्चों से साफ कराया सीवेज टैंक, प्रिंसिपल और एक टीचर अरेस्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5.7 तीव्रता का भूकंप, किसी अनहोनी की खबर नहीं। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में लगी आग, एक महिला और एक बच्चे की मौत, आग पर पाया काबू। पीजीआई अस्पताल में लगी आग पर सख्त सरकार, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, डिप्टी सीएम बोले दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुंबई के जुहू में रेजिडेंसी होटल में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कोरोना के JN.1 वेरियंट पर केंद्र सरकार की नजर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की, कोरोना के JN.1 वेरिएंट को लेकर बनाए रखे निगरानी। केरल के बढ़ते कोरोना संक्रमण से पड़ोसी राज्य अलर्ट, कर्नाटक में बुजुर्ग के लिए मास्क अनिवार्य, जल्द गाइडलाइंस होंगी जारी। विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया में सीरिया और रूस की बमबारी, 5 लोगों की मौत, 20 घायल। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 83.06 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 168 और निफ्टी 38 अंक लुढ़का।